तो दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की टेक्स्ट विद एग्जांपल और प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉजिटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। लेट्स बिगिन। यूज ऑफ प्रोनाउन ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। द प्रोनाउन आर यूज्ड टू शो द पोजिशन और रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, इसका मतलब है वे प्रोनाउन जो अधिकार जताते हो या फिर रिलेशन बताते हो, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। एग्जांपल, माय, आर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, एक्सेट्रा। दिस बुक इज हर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे बुक और हर्स इन दोनों का रिलेशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे हर्स क्या हुआ? पॉजिटिव pronoun. That school is theirs. यहाँ पे school और theirs के बीच में relation बता रहे हैं। तो यहाँ पे theirs क्या हुआ? Possessive pronoun. This pen is mine. अब यहाँ pen और mine के बीच में relation बता रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ? Mine क्या हुआ इसमें? Possessive pronoun. That pencil was his. इसमें pencil और his का relation बता रहे हैं। तो इसमें this
was won a prize. Neither of the charges is just. Neither statement is true. Either off you can stay. Either road leads to the station. अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।